जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में 5 दिवसीय मंदाकिनी शरद उत्सव एवं कृषि एवं औद्योगिक विकास मेले का शुभारंभ केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत एवं नगर पंचायत अध्यक्ष अरुण बेजवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विधायक शैला रानी द्वारा विभिन्न विभागों के स्टॉलों का भी शुभारंभ कर निरीक्षण किया गया। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा स्वागत गीत गाए गए। मेले के शुभारंभ अवसर पर विधायक केदारनाथ शैला रानी रावत ने कहा कि मेले एवं महोत्सव हमारी संस्कृति की पहचान एवं धरोहर है, जिसके माध्यम से आपसी मेलजोल के साथ ही भाईचारा भी बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर आम जनमानस को उपलब्ध होती है। उन्होंने कहा कि मेले एवं त्योहार हमारी संस्कृति की पहचान है, इसके संरक्षण के लिए इस तरह के आयोजन किए जाने आवश्यक हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इनका अनुसरण कर आगे बढ़ने की दिशा में कार्य कर सके। उन्होंने कहा कि अगस्त्य मुनि मंदाकिनी शरदोत्सव एवं कृषि विकास मेले के माध्यम से स्थानीय लोगों को भी अपने उत्पादों को इस मेले में कई महिला समूह द्वारा भी अपने स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें उनके उत्पादों की बेहतर बिक्री होगी तथा उन्हें एक नई पहचान के साथ साथ उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी। इस दिशा में सरकार मेले में एवं त्योहारों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर खेल विभाग द्वारा खेल प्रतियोगिता का पहले दिन तीनों विकास खंडों के ओपन पुरुष वर्ग में वॉलीबॉल एवं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष अरुणा बेंजीवाल मंदाकिनी मेला समिति के संयोजक बलवीर नेगी उपाध्याय हरीश गुसाई ने कहा कि पिछले 2 सालों में कोविड महामारी के चलते मेला नहीं हो सका था, इस बार मेले को और भव्य रूप दिया जा रहा है। आने वाले पीढ़ी को अपनी पौराणिक संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी मिलेगी। उत्तराखंड समाचार के लिए रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। का शुभारंभ किया जा रहा है और मेले में बहुत ज़्यादा रौनक दिखाई दे रही है और मेरा कमेटी की ओर से मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, जो मेरा कमेटी इतना भव्य रूप दे रहा है मेले को। मैं आप सब लोगों का और मेला समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम चाहते हैं कि जो औद्योगिक विकास मेले हैं, हमारी स्थानीय आर्थिकी बढ़े, मनोरंजन हो, हमारी माँ बहनों में सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, और ये इस चीज़ का द्योतक है कि जो हमारी संस्कृति है उसको जो है हम इसी तरह से आगे ले जाते रहें। और बहुत जोश खरोश है लोगों में, स्थानीय उत्पाद भी आ रहे हैं, स्थानीय पकवान भी आ रहे हैं। मैं स्वयं सहायता समूह ने भी बहुत सारे अपने स्टॉल खोले हैं और मेला समिति पूरे जोश खरोश और पूरे तन्मयता से इस कार्यक्रम को निभा रही है। मैं मेला समिति को भी धन्यवाद देती हूँ। और जो हमारा मधमेश्वर मेला है, अगस्त मुनि है और तल्ला नागपुर है, जखोली है, तो हम चाहते हैं हमारे स्टॉल स्थानीय उत्पादों से भरपूर रहे और जो आर्थिकी है उससे हम पूरे साल भर को अपने मजबूत करें, तो बहुत अच्छा है और अभी इसमें और मेहनत की ज़रूरत है। बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये मेला वर्ष 2002 से राज्य स्थापना के तहत आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें निरंतर ये मेला चला और पिछले वर्ष 2020 और 2021 में कोविड के कारण ये मेला संपादित नहीं हो पाया। इस बार मेला समिति के तमाम जितने भी सदस्य हैं, तमाम पदाधिकारीगण हैं, माननीय विधायक जी हैं और हमारे अन्य तमाम साथीगण, हमारे पत्रकार बंधु हैं, चाहे हमारे विभाग के कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं, सबके सहयोग से और ऐसा निर्णय लिया गया है कि इस मेले को जो है बहुत भव्य बनाया जाए और इसके जो है गौचर की तर्ज पे इस मेले की स्थापना हो।